वेलकम यू ऑल इन टीआरलेसिस वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्विकली मतलब समझेंगे कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग फॉर टू कॉलम्स को कंसीडर करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जनरल डेटा, जो भी एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लिए कि साइज़ ऑफ बोथ कॉलम्स जो है 400 mm by 400 mm का है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोथ कॉलम्स 4 meter है। लोड ऑन बोथ कॉलम्स हम लोग यहाँ 1500 kN एज्यूम किए हुए, और इसमें कंडीशन है अवेलेबल विड्थ ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब 2.5 meter से ज़्यादा विड्थ हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 2.5 मीटर का विड्थ ही प्रोवाइड करना। और सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमारा 210 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, ग्रेड ऑफ स्टील। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसके सारे इंफॉर्मेशन जनरल डेटा को लिख दिए। अब स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू में हम लोग लेंथ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग निकालना पड़ेगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो मतलब क्यूबॉइड्स हो गया, एल बी और एच डेप्थ रहेगा। तो स्टेप टू में हम लोग लेंथ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ एंड विड्थ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल कॉलम लोड निकालेंगे। एक कॉलम में 1500 का लोड है तो दो कॉलम में 3000 kN हो गया। उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग जो है वो 10% ऑफ टोटल कॉलम लोड लेते हैं। तो कॉलम लोड 3000, 10% उसके 300 kN हो गए। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ, तो टोटल लोड हमारा आ गया 3300 kN, ठीक है। फिर एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करेंगे, टोटल लोड डिवाइडेड बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो टोटल लोड हमारा 3300 kN है, तो 210 हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, मतलब तो एरिया ऑफ फुटिंग आ गया 15.71 m². तो यहाँ से समझना है, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर फुटिंग होता रिक्टेंगुलर के जगह में, तो साइज ऑफ फुटिंग सिंपली स्क्वायर रूट करके एरिया ऑफ फुटिंग का निकाल लेते। और यदि ऐसा रहता क्वेश्चन में रिक्टेंगुलर फुटिंग और कोई रिस्ट्रिक्शन विड्थ का ना दिया हो, तो हम लोग एज्यूम लेंथ ऑफ फुटिंग को एज्यूम कर लेंगे और कैलकुलेट द विड्थ ऑफ फुटिंग यूजिंग एल इंटू बी इक्वल टू एरिया फॉर्मूला। तो लगभग स्क्वायर फुटिंग्स और रिक्टेंगुलर फुटिंग जिसमें विड्थ रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो, तो उसको हम लोग सिमिलर वे में जो इस क्वेश्चन में जो स्टेप्स कर रहे हैं सिमिलर वे में स्टेप्स वहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो अवेलेबल विड्थ चूँकि 2.5 meter है हमारे पास, तो लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है, तो लेंथ हमारा एरिया बाय विड्थ हो गया, मतलब 15.71 डिवाइड बाय 2.5 मतलब 6.28 meter। तो इस तरीके से हम लोग साइज ऑफ फुटिंग प्रोवाइड कर दिए 7 meter इनटू 2.5 meter, 7 meter लेंथ है और 2.5 meter विड्थ है, ठीक है। तो स्टेप टू में हम लोग निकाल लिए डायमेंशन। उसके बाद स्टेप टू में एक और कैलकुलेशन करना है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर जो होता है टोटल कॉलम लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। तो कॉलम लोड दोनों मिला के 3000 है और एरिया ऑफ फुटिंग जो प्रोवाइड करने वाले हैं फाइनली वो 7 meter by 2.5 meter का है, तो मतलब 1.4 kN/m² आ गया। उसके बाद फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर निकालेंगे, अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकालेंगे बाद फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर 1.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 257.14 kN/m² आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री में अब हम लोग आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा रेक्टेंगुलर फुटिंग हो गया, दो कॉलम्स हो गए ये, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4 meter है, तो टोटल 7 meter है, मतलब 1.5 meter इधर होगा, 1.5 meter इधर होगा। विड्थ रिस्ट्रिक्शन 2.5 meter है, मतलब 1.25 meter ये होगा, 1.25 meter ये होगा। तो ये डायग्राम बना देंगे स्टेप थ्री में। उसके बाद अपवर्ड सॉइल प्रेशर पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर इनटू विड्थ ऑफ फुटिंग जो दिया हुआ है जैसे 2.5, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 642.85 kN/m। अच्छा, अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को ये लोड डायग्राम बनाना पड़ेगा। फुटिंग का ये डायग्राम बना लिए, ए बी ई सी डी, ई हमारा मिड पॉइंट है और फुटिंग के ऊपर दो कॉलम का लोड लग रहा है, फैक्टर्ड लोड लगा दिए 1.5 × 1500
और नीचे से हमारा सॉइल प्रेशर लग रहा है वो है 642.85 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। तो मतलब इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम का जो शेप होगा, है ना, चाहे लोड हमारा यहाँ वेरिएशन, मतलब दो साइड हमारा ओवरहैंग पोर्शन हो गया, ऊपर से पॉइंट लोड हो गया और नीचे से सॉइल हमारा सपोर्ट कर रहा है फाउंडेशन को, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ से इधर लेंगे, मतलब जहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वहाँ पर थोड़ा हाइट में जाएगा और ये शेप हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शेप बना देना रेक्टेंगुलर फुटिंग में, ऐसा ही शेप बनेगा बीएमडी का। और एसएफडी का जो शेप बनेगा ये हमारा हो गया एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम और ये हो गया हमारा बीएमडी, ठीक है ना। तो ये शेप बना देना और मेनली जो मैक्स यहाँ पर ई पर हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे क्या आएगा, ठीक है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स में जैसे ये दो एक दो पॉइंट्स में शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट मिड स्पैन, तो मिड स्पैन में जो मोमेंट हम लोग निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पर ई पर मोमेंट निकाल रहे हैं तो इधर के जितने लोडिंग है उसके कारण जो मोमेंट होगा ई पर वो निकालेंगे। तो 642.85 जो लोड लग रहा है किलोमीटर पर मीटर वो मतलब 3.5 मीटर में यूडीएल के रूप में लगेगा, तो उसके लिए मोमेंट आएगा। और फिर ये पॉइंट लोड का ई से डिस्टेंस 2 मीटर है तो इसके लिए मोमेंट्स आएगा। तो लेफ्ट से जो मोमेंट्स आएंगे जैसे 644.85 × 35 ये लोड हो गया और लोड 3.5/2 हमारा सीजी डिस्टेंस हो गया, −1.5 × 1500 ये लोड हो गया और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ई पर, तो −562 किलोमीटर मीटर ये हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स आ गया। उसी तरीके शियर फोर्स एट बी निकालेंगे फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट में सिंपली शियर फोर्स में समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करते हैं। तो अगर हम बी पर आ रहे हैं लेफ्ट में यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल ये, तो 642.85 × ये 1.5 का डिस्टेंस, यही वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हमारा शियर फोर्स हो जाएगा 964.275 किलो न्यूटन और शियर फोर्स एट सी फ्रॉम राइट हो जाएगा −964.275 किलो न्यूटन। तो ये तीन मतलब वैल्यू, दो शियर फोर्स के और एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकाल के हम लोग मेंशन यहाँ बेंडिंग मोमेंट का कर देंगे और शियर फोर्स का ये दो जगह वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाकी डायग्राम का शेप जो होगा रेक्टेंगुलर फुटिंग्स में जनरली शेप हमारा बीएमडी का यही होगा और एसएफडी का यही होगा, शेप बना के दो मतलब एक मिड सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट और दो जगह क्रिटिकल पॉइंट्स पर शियर फोर्स निकाल के वैल्यू रख के कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब स्टेप फोर में चूँकि अब हम लोग डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालेंगे तो एम बराबर आर बी डी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग डी अंडर रूट एम बाय आर बी हो जाता है। तो ये मोमेंट जो आया है उसको कंसीडर करेंगे और ये ध्यान रखना है कि अगर एम 20 ग्रेड है एफ ई 415 स्टील है तो आर का वैल्यू 2.76 होता है, एम 25 ग्रेड एफ ई 415 है तो आर का वैल्यू 3.45 लेते हैं और वेट तो फिटिंग 2.5 मीटर है मैंने 2500 mm है तो डी का वैल्यू 255.26 mm हो गया। तो इस तरीके से प्रोवाइड हम लोग यहाँ ओवर सेफ लेके चल रहे हैं, अनइकोनॉमिक मतलब ज़्यादा सेफ्टी पर थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। तो हम लोग डी जो है 390 mm प्रोवाइड कर दिए स्मॉल डी और कैपिटल डी 390 + 60 इफेक्टिव कवर मतलब 450 mm टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग कर लिए। और यहाँ हम लोग एज्यूम कर लिए कि एज्यूम डेप्थ ऑफ फुटिंग ओके फॉर वन वे एंड टू वे सीवे स्वेक टू वे सीयर क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग निकाल लिए हम लोग, उसके बाद यहाँ से पांचवे स्टेप्स में लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, तो पेज 96 आईएस 456/2000 क्लॉज जी 1.1 में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एएसटी निकाल लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर एएसटी कुछ 4306 mm² इसके लिए आया हुआ है। तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे 16 mm डायमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 बार 201 mm² जो 16 mm का के लिए और नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड एएसटी जो कैलकुलेट हुआ है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 बार, तो 21.41 bar आ गया।
उसके बाद स्पेसिंग ऑफ बार्स निकालने का वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन बार इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो 201 गुने 2500 मटे 400 मैंने 116 mm आ गया। तो जितना स्पेसिंग आया उससे थोड़ा कम प्रोवाइड करेंगे, मैंने प्रोवाइड 16 mm डाया बार एट द रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर एज लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। और ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का सिमिलर वे में लिख देंगे 16 mm डायमीटर बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट टू व्यू से अगर हम ये सारे स्टेप्स भी अगर करते हैं तो मतलब सारे स्टेप्स को करना चाहिए। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग को समझने में हेल्प मिल सके हो सके। ये मतलब कम समय में मतलब क्विक रिवीजन के लिए बनाया है, तो इससे और भी डिटेल्ड काफ़ी कैलकुलेशंस होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी है। थैंक यू।